जाना पहचाना रूम, मतलब ये ऊपर वाला रूम। आज यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो मैं खाना पीना खाकर नहा धो के एकदम रेडी हूँ अभी। यार मेरी दिक्कत है, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। तो कल क्या हुआ, मैं कल ईयरफोन लेके गया था बाहर, और मतलब ट्यूशन के टाइम पे, और मेरे को लग रहा है कि मैं ट्यूशन में ही भूल गया। तो कल रात से मैं बिना ईयरफोन के इधर उधर सोच रहा हूँ कहाँ रख दिया क्या, पता नहीं क्या यार। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, हद से ज़्यादा, मतलब छोटी से छोटी चीज़। अभी मेरे को मतलब कभी कभी तो ऐसा रहता है, जैसे चश्मा लगा हुआ है, मैं ढूंढने लग जाता हूँ चश्मा कहाँ रखा है, फ़ोन हाथ में फ़ोन ढूंढ रहा हूँ, तो पता नहीं क्या है। मतलब और उनके साथ भी होता है, पता नहीं, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है भाई। चलो अभी जा रहे हैं ट्यूशन पे ईयरफोन लेने के। मैं गया ट्यूशन पे और वहाँ ईयरफोन नहीं था, खो गया। यार मेरे को ये लग रहा है खो गया, पता नहीं, याद भी नहीं है कहाँ रखा था, क्या वो कर रहा था, अब कहाँ ढूंढूंगा। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो कल रात ही देखना चालू करा था मैंने। चलो कोई नहीं, एक तो इंडिया का मैच फंसा हुआ है, 66 रन चाहिए अभी जीतने के लिए, एक विकेट हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। जीत जाए यार, आज जीत जाए, मज़ा आ जाएगा। स्टूडेंट हार गई है जो इंदौर में हुआ है अभी। रीज़न है कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ी बैटिंग में ज़्यादा रन नहीं थे। पहली इनिंग में 109 में आउट, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा बढ़त थी नहीं, और दूसरी इनिंग में भी सिर्फ 75 का टारगेट रख पाया इंडिया और हार गए। अगर थोड़ा टारगेट बढ़ा होता 200 या 150 के अराउंड, तो शायद एक मतलब टक्कर वाला मैच होता, लेकिन नहीं, हमारे रन थी नहीं, 75 थे, उसमें भी सिर्फ चेतेश्वर पुजारा ने 59 मारे थे और कोई मारा नहीं किसी ने। और मेरे पास एक तो यार इतनी प्रॉब्लम है साथ, हॉट स्टार मेरे पास था नहीं, तो मैंने तुषार से मांगा और फिर डाटा, नेटवर्क इस रूम में आता नहीं। पहले बीच वाले रूम में देख रहा था, फिर मैंने मतलब वो थोड़ा सा वाईफाई का एक डंडी आ रही थी इस रूम में, तो मैं आया, लेटा ही था, उसने शॉट मार के फिनिश कर दिया लबुशेन ने। जब से बॉल चेंज हुई ना 10th ओवर के बाद, एक तो मेरे को लगता है मैंने देखना चालू किया इसलिए हारे। 10th ओवर तक सब नॉर्मल चल रहा था, 13 रन, जैसे ही बॉल चेंज हुई, जैसे ही मैंने देखना चालू करा उसी टाइम, उसके बाद पिटना चालू एकदम, फिर वो रुके नहीं न्यू बॉल आने के बाद। आर अश्विन बोल रहे थे कि मतलब ये बॉल मतलब नहीं पड़ रही ढंग से, ये वो अंपायर के साथ थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने बॉल चेंज करी नहीं, तो बॉल अच्छे से पड़ी नहीं, तो विकेट मिली नहीं, तो हम लोग आ रहे। क्या आता था तेरे को ये बता, पूरे 10 मार्क्स का था, 80 मार्क्स का पेपर था, नहीं 60, तो तू 60 में से 10 मार्क्स का तो छोड़ के ही आ गया, नहीं 15 मार्क्स का छोड़ कर आ गया। तो लिख कर क्या आया? लिख कर मैं 45 मार्क्स का लाया हूं। और तेरा? मैंने सारा का रखा है। इसी बात है। इसका मैथ्स का अच्छा क्या होगा ना तेरा? किसका? मैथ्स का हो गया ना? नहीं। कब है? जॉइन के बाद। तेरा तो मैथ्स का ही अच्छा जाता है ना? तो फाइनली ईयरफोन मिल गया है। मैं मतलब निकिता और मुकुल को लेने गया होता स्कूल उनके, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। अभी क्या चल रहा है, मार्च। हाँ, और जब हम लोग 7th 8th में मतलब छोटे थे, 1st से लेकर 8th तक, तो हमारे एग्ज़ाम होते थे गांव में मार्च के महीने में, और फिक्स रहता था कि 31 मार्च को रिजल्ट आएगा और 1st अप्रैल से न्यू बैच शुरू हो जाएंगे। अगर मतलब बाई चांसली संडे रहता था 31 को, तो 30 को शिफ्ट हो जाता था। लेकिन हाँ भाई, जो मतलब फील नॉस्टैल्जिया था कि मतलब वो 31 मार्च को रिजल्ट आना, और फिर नया बैच, कॉपीज वगैरह खरीदना, बुक्स तो स्कूल से ही मिलती थी गवर्नमेंट स्कूल में, और क्या होता था उस कवर चढ़ाना, कॉपी वगैरह, अलग ही एक्साइटमेंट रहती थी, अलग ही लेवल की। फिर वो गर्मियाँ, फिर हमारे वहाँ आइसक्रीम बनाते थे, वो रसना वगैरह मिला के वो पीना, मतलब वो खाना।
आइसक्रीम खाना, गर्मियों की फिर छुट्टियाँ होती थी भाई, नॉस्टैल्जिक था वो। उन आज का दिन अभी थोड़ा टाइम जो था इनको जब मैं लेकर आ रहा था, मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि यार वाइब थी पहले छोटे छत थे जब, टेंशन नहीं रहती थी। फिर पूरी गर्मियों की छुट्टी पूरे साल भर, नहीं मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ क्या, मतलब पूरे साल भर ही हम लोग क्रिकेट खेलते थे। गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा खेलते थे क्योंकि पूरे दिन छुट्टी को होमवर्क मिलता था बहुत सारा, वो एक ही दिन में करते थे, पहले ही कर लेते थे ताकि अगले सारे दिन खेलने को ही खेलने को मिले। और उसके बाद पूरा दिन क्रिकेट खेलो, पहले सुबह निकल जाओ 8:30 खेल के आओ 12-1 बजे, 1-2 बजे खाना पीना खा के 3-4 बजे, फिर 5-6-7 बजे तक मज़ा आता था। गाँव में वाइब थी यार, यहाँ तो बेकार। तो अभी मैं जा रहा था समोसा खाने, मतलब अभी घर पे खिचड़ी बनने वाली है और इतनी ख़राब बनती है वो, इतनी ख़राब बनती है जो भी बनाता है। तो मैं सोच रहा था इतनी सी खिचड़ी खाऊँगा, मतलब मैं खाऊँगा भी नहीं, बना भी कर सकता हूँ, अभी समोसा खा लूँ। अरे यार देखो, घर पे खाने का ऐसा है, या तो वो ढंग की बनी हो तो खाने में मज़ा भी आएगा। अब ढंग की नहीं बनी, टेस्टलेस खाने से अच्छा बाहर से एक समोसा खा लूँ 10 बार। क्यों, मैं एक बात सोच रहा था यार, डेली ये रिपीटेड ब्लॉग बनाने में ना थक गया हूँ मैं, मतलब डेली सेम चीज़ें दिखाना ना, और फिर मतलब कुछ नया नहीं है। तो मैं सोच रहा था जल्दी से जल्दी पेपर ख़त्म हो तो मैं कहीं घूमूँ, गांव जाऊँ, वहाँ पे दिखाऊँ, या फिर यहाँ भी शायद भाई और मैं अगर फिर साथ रहेंगे तो उसके बाद वो और मैं घूमेंगे साथ में। तो वही ऐसे रिपीटेड यार मज़ा नहीं आता बिल्कुल। मैम ने क्या बोला, क्यों तेरे को कॉपी दी घुमाते हुए देख के, डांटा नहीं तेरे को? नहीं। क्या बोला फिर? बोला। क्यों नहीं बोला? इधर 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 से उधर लग जाए। ओ जो बेल बजाइए जल्दी जाके, भाग 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 भाग, कितना फास्ट भागता है। मैं 100 मीटर 10 सेकंड में भाग जाता था पता है, एक जमाना हुआ करता था। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग में वो डालते हुए नजर आऊँगा, क्या बोलते हैं प्लग, मोटर का प्लग बीच में। हाँ यार सही में इस बीच में डाला भी नहीं एक भी बार मोटर का प्लग यार। तो खाना खा के मैं अपने रूम में आ गया, मतलब खाया नहीं मैंने, सिर्फ लिया प्लेट में और मतलब थोड़ा सा, चाची किचन बनी थी मैं वैसे ही रख के आ गया। तो मैं गया था निखिल को लेने, तो मैं देख रहा था यार मतलब छोटे बच्चों के मम्मी पापा कैसे लेने जाते हैं स्कूल में। तो जब हम गांव में थे तो हमारे उसमें नहीं होता था ऐसा कि मतलब कोई लेने आ रहा है, हम लोग अकेले बैग टांग के खुद ही जाते, मतलब गांव में सब आसपास ही रहते हैं तो कोई रहता नहीं था कि मम्मी पापा लेने आएंगे या उनके साथ जाएंगे, सब एक साथ घर जाते आते थे। तो मेरे को लगा कि यार अगर ऐसा होता गांव में भी लेने आते मम्मी पापा, तो जाते हुए ना हम लोग बताते स्कूल में क्या क्या हुआ ये वो, कितना मतलब एडवेंचरस रहता, कितना मतलब अलग ही मज़ा आता उसमें, अलग फील होता। वही सोच रहा था जब उसे लेकर आ रहा था मैं, बहुत आज तो मैं नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं क्यों स्कूल से ही ज़्यादा हो रहा हूँ शायद, क्योंकि यार गांव में ना अलग टाइप का ही माहौल होता है भाई। तो गांव जाना है मेरे को, जल्दी पेपर ख़त्म हो फिर गांव जाऊंगा।